ये जो आप कह रहे हैं किसान की फसल का नुकसान न हो, लेकिन मुझे आज तक कोई किसान ऐसा नहीं मिला, या है आज तक कोई नहीं मिला जिसका नुकसान हुआ। तो सुना आपने, यह है उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री व बस्ती जिले के प्रभारी राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह। यह बस्ती जिले के भानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे थे, जब इनसे बस्ती जिले में एक साथ मिले एक दर्जन मृत गौवंशों व गौवंशों द्वारा फसलों के नुकसान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मृत गौवंशों के बारे में प्रभारी डीएम यानी सीडीओ राजेश कुमार प्रजापति को जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे कोई ऐसा किसान नहीं मिला जो कहे कि उसकी फसलों का नुकसान हो रहा है। और अब आप भी सुनिए कि क्या कुछ कहा मंत्री जी ने, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि क्या छुट्टा गौवंशों की वजह से आपकी फसलें नुकसान हो रही हैं या नहीं, और क्या कार्रवाई होगी। यहाँ पूरे मासी प्रमुख व्यवसाय था कुछ लोगों का, हमने उसको रोका, हमने उसका इंतजाम किया, 900 रुपये महीने सरकार की ओर से देने का भी काम किया, उसके अलावा अपने जो योग हमारे ग्राम प्रधान हैं उनसे भी निवेदन किया। किसी बड़े कार्यक्रम को पूरी तरह से लागू करने में थोड़ा समय चाहिए, हमने शुरू किया। जहां लाखों गोवंश की रक्षा नहीं होती थी, वहां अगर 11 कहीं मिले तो मेरे लिए दुख का विषय है, खेद का विषय है। मैं इस संबंध में हमारे प्रभारी जिला मजिस्ट्रेट यहाँ मौजूद हैं, मैं इन्हें निर्देशित कर रहा हूँ कि इसे दिखवा लें और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, गो वंशों की पूरी तरह से रक्षा हो, उसमें समाज, उसमें पत्रकार बंधु भी और हमारे जो जनप्रतिनिधि सरकार के साथ सहयोग करें, जिससे कि जो एक हमारा ये हम तो मानते हैं कि रिवोल्यूशन है, ये क्रांति है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है उत्तर प्रदेश में, कि जिसे हम माँ कहते हैं उसकी हत्या होती थी, उसके मांस का दुरुपयोग होता था, हमने उसको रोका है। हम आप लोगों का भी सहयोग चाहते हैं, इस तरह की घटनाओं पर आपका सकारात्मक सहयोग मिले, सरकार उस पर वर्तमान समय पूरी मजबूती से कार्रवाई करेगी। ये जो आप कह रहे हैं किसान की फसल का नुकसान न हो, लेकिन मुझे आज तक कोई किसान ऐसा नहीं मिला जिसने ये न कहा हो कि साहब आपकी सरकार में हर फसल को हमने ज़्यादा उत्पाद ज़्यादा उपज से प्राप्त किया है, आज तक कोई नहीं मिला जिसका नुकसान हुआ। नुकसान अगर है तो उदारता से उतना स्वीकार कर रहे हैं, गौ माता उससे ज़्यादा जो बचा है उसमें पैदा कर दे रहे हैं, तो कहाँ नुकसान।